तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में भाई एक ऐसी गेम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अगर भाई रिलीज़ होता है और अगर आप लोग खेलते हो तो भाई बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अरीना ब्रेकआउट, वॉरजोन मोबाइल और भी ऐसे बहुत सारे गेम जो हैं उनको भाई ये गेम जो है कड़ी टक्कर देने वाला है। इसके बारे में मैं पहले ही अपनी न्यूज़ वीडियो में तुम्हें काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और इस गेम से रिगार्डिंगली कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी लीक हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको पूरी डिटेल डेल्टा फोर्स मोबाइल के बारे में। तो हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा फोर्स मोबाइल के बारे में और आज हम बात करेंगे भाई इसके लिए आपको कौन से डिवाइस की आपको रिक्वायरमेंट वगैरह रहेगी, साथ में बात करने वाले हैं भाई इसका टेस्टिंग वगैरह, जो बीटा टेस्टिंग वगैरह है उसका क्या सीन है, और साथ में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है कि ये गेम भाई इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये गेम इंडिया में आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि गेमिंग न्यूज़ से रिलेटेड और गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पे तुम्हें अलग अलग तरह की वीडियो देखने को मिलती है। तो अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो डेल्टा फोर्स के बारे में बात करें तो भाई डेल्टा फोर्स फर्स्ट पर्सन स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिकल शूटिंग गेम जो भाई 2035 पे सेट है, और इस गेम को तुम्हें कॉपी भी बोल सकते हो भाई डेल्टा स्पेशल फोर्स का, जो कि भाई बहुत पुराना गेम था, भाई बहुत ही ज़्यादा पुराना गेम था, तो उसका ये कॉपी तुम इसको बोल सकते हो या उसका एक सीक्वल इसको बोल सकते हो। तो ये गेम जो है भाई डेवलप कर रहा है टेंसेंट और भाई मोबाइल वर्जन कर रहा है टीवी स्टूडियो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये गेम इंडिया में पॉसिबल है कि नहीं आएगा, उसका रीज़न भाई यही है क्योंकि तुम्हें पता है अरीना ब्रेकआउट भी मे बी शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, लेकिन चलो प्रॉब्लम की बात बाद में करेंगे। तो ये है भाई डेल्टा फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्री रजिस्ट्रेशन हो रखा है, नीचे भाई सब में सब चीज़ें दिखाई देंगी, एप्पल भी है भाई, उसके बाद तुम्हें एंड्रॉयड भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। और अगर बात करें मोड्स की तो इसके अंदर भाई कौन कौन से मोड है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई हजार्ड ऑपरेशन की, तो इसके अंदर भाई तीन लोगों का भाई एक स्क्वाड होगा और भाई उनके पास एक अलग अलग गेयर और अगर अलग अलग एबिलिटी वगैरह भी होगी। उसके बाद भाई तुमको सप्लाई वगैरह कैप्चर करनी है और तुम्हें भाई सप्लाई इकट्ठी करनी है और मैप के अंदर से भाई बाहर निकलना है, तो ये वाला तो है भाई हजार्ड ऑपरेशन। तो अगले मोड की बात कर लेते हैं जो है भाई हवॉक वॉरफेयर, तो इसके अंदर भाई तुम्हें क्लासिक रिबूट साथ में ही तुम्हें भाई व्हीकल वॉरफेयर मतलब इसके अंदर तुम्हें भाई शिप वगैरह टैंक वगैरह जहाज वगैरह भाई सब कुछ चलाने को मिलेगा, पूरा भाई दुड़ूम धड़ाम होने वाला है इसके अंदर, और साथ में भाई इमर्सिव एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पे तुम्हें पूरे मोड की डिटेल वगैरह दिखाई दे रही होगी इस गेम के बारे में। तो अगले मोड की बात कर लेते हैं जो है भाई ब्लैक हॉक डाउन, तो भाई ये जो है ना ये एक स्टोरी लाइन पे बेस है, अफगानिस्तान वगैरह की जो रियल स्टोरी थी ब्लैक हॉक डाउन तुमने मूवी वगैरह भी देखी होगी, तो ये उस तरह की भाई स्टोरी लाइन वगैरह इसके अंदर है। तो इसके अंदर भी तीन मोड है, देखेंगे भाई कि जब ये गेम आएगा तो उसके अंदर हमें अब क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में मैं डिटेल में तुम्हें बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की, तो इसके अंदर भी भाई ऑपरेटर्स हैं जैसे कि भाई एपेक्स में होते हैं ऑपरेटर्स, उसके बाद तुम्हें अभी न्यू स्टेट में नए मोड के अंदर भी ऑपरेटर्स देखने को मिले होंगे, अलग अलग तरह के अलग अलग उनके अंदर पावर है, तो यहाँ भी है। तो सबसे पहले ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो ये है भाई डायर वुल्फ, उसके बाद अगले की बात कर लेते हैं वो है शेपर्ड, उसके बाद कर लेते हैं लूना, उसके बाद बात कर लेते हैं बी कॉलोनी। तो भाई देख लो ये इसके अंदर भी फिलहाल के लिए चार ऑपरेटर हैं, अभी और ऑपरेटर्स में आएंगे। और यहाँ पे तो ये जो करेक्टर है इनकी एक अपनी एबिलिटी है अलग तरह से, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी भी है और यहाँ पे भी है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। तो ये भाई अभी फिलहाल के लिए चार करेक्टर इसके अंदर है जो तुम्हें गेम खेलने के साथ ही मिलेंगे, तुम्हें जौन सा पसंद आएगा तुम वो ले सकते हो। और अगर गन्स वगैरह की बात करें फिलहाल जिनके साथ ये भाई लेस होके आएंगे, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही होगी RCX राइफल, उसके बाद तुम्हें असॉल्ट राइफल दिखाई दे रही होगी, उसके बाद भाई यहाँ पे LMG देखने में तो यार अच्छी लग रही है PC वर्जन में, उसके बाद तुम्हें ASVAL दिखाई दे रही होगी, ये भी भाई असॉल्ट राइफल है, तो ये इसके अंदर भी फिलहाल के लिए गन अवेलेबल है। और साथ में बात करें ओ भाई ये AH हेलीकॉप्टर तो भाई ज़बरदस्त है, उसके बाद बात करें यहाँ पे तो ऑल ट्रेन व्हीकल भी तुम्हें इसके अंदर मिलेगा और LAV भी भाई तुम्हें देखने को मिलने वाली है, तुम्हें यहाँ पे सामने दिखाई दे रही होगी, जबरदस्त है भाई, मजा आने वाला है इसको चलाएंगे जब मैप के अंदर। तो अगला व्हीकल है LAV AA, तो ये भी भाई देखने में तो पहले वाले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बात कर लेते हैं एक है भाई असॉल्ट व्हीकल, इसके अंदर जाओ घुसो और मारो भाई, मस्त चीज़ भाई होने वाली है, और इन्होंने कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी दिए हैं इसको, तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से तो कुछ रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं कि इसके लिए भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास भाई एंड्रॉयड के अंदर तो आपके पास स्नैपड्रैगन 845 होना चाहिए,
है, स्नैपड्रैगन का अगर है, डेमेंसिटी का है तो 1000, कैरिन का है तो 985, और भाई इसके बराबर का कोई होना चाहिए। मेमोरी की बात करें तो 8GB होनी चाहिए और मिनिमम भाई 4GB तो भाई आपके डिवाइस में होनी चाहिए, और स्पेस भी होना चाहिए जिसमें भाई 15GB के आसपास आपके पास स्पेस होना चाहिए। और बात करें आईफोन की तो भाई आईफोन के अंदर आईफोन एक्स और उससे ऊपर वाले के अंदर चलने वाला है। तो अब इसकी टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। फिलहाल के लिए भाई इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है चाइना में, पीसी वाले वर्जन का तो चाइना में भाई स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, कहीं पे भी जाके खेल लो। अभी फिलहाल अभी चाइना में एक मॉल के अंदर लगे हुए तो लोग खेल रहे हैं, लोग भाई इस गेम को खेल रहे हैं अभी पीसी के अंदर, तो लोगों का कहना है भाई इसका एक्सपीरियंस जो है भाई काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर मोबाइल की बात करें तो जिन लोगों ने भी भाई रजिस्टर किया है, इसके लिए आपको भाई वीचैट होना बहुत जरूरी है। अगर वीचैट नहीं है तो भाई आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई चाइना वाली जितनी भी चीज़ें हो वीचैट या फिर क्यूक्यू आईडी से ही चलती हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि वीचैट बनाना भाई मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। और बात कर लेते हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हो इसके टेस्ट के लिए, अगर आपने फॉर्म भरा है, और अगर नहीं भरा है तो आपके पास अगर वीचैट है तो आप ट्राई कर सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप इसको जो है पीसी वगैरह में भी खेल सकते हो। इसके बारे में और भी डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। स्क्रीनशॉट की बात करें तो यहाँ पे तुम देख कुछ इस तरह के इसके स्क्रीनशॉट वगैरह निकल के आए हैं, और ये भाई एंड्रॉयड डिवाइस के स्क्रीनशॉट है, और जहाँ से स्क्रीनशॉट आए उनका कहना ये है कि ये गेम भाई अच्छा चल रहा है, हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, लैग की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें पता है वॉर जोन के अंदर भाई कितना बुरा हाल है। और अरीना ब्रेकआउट भी अच्छा गेम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला गेम अरीना ब्रेकआउट से ज़्यादा इंटेंस गेम होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें व्हीकल, हेलीकॉप्टर सब कुछ भाई देखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप लैंड के अंदर ही फाइट कर रहे हो, इसके अंदर कई ऑपरेशन ऐसे भी है जो भाई पानी के अंदर भी जाके तुम्हें करना है। तो जैसे इसके बारे में और भी क्लियर डिटेल आएगी तो मैं तुम्हें भाई इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं भाई इंडिया का क्या सीन है। फिलहाल के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है अभी इंडिया के अंदर ही आना, और अभी ये जो टेस्ट फिलहाल इसका चल रहा है, ये टेस्ट चल रहा है भाई अर्ली में, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे इसका टेस्टिंग चल रहा है। वैसे डेल्टा फोर्स मोबाइल की बात करें तो यार काफ़ी टाइम पहले इसके कुछ गेम प्ले वगैरह भी लीक हुए थे, तो वो कुछ इस तरह के गेम प्ले थे, लेकिन तब से लेके अब तक भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो उन्होंने भाई काफ़ी ज़्यादा इसको इन्हांस कर दिया होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भाई टीमी स्टूडियो बना रहा है, और तुम्हें टीमी का पबजी तो याद है भाई वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज था उस टाइम पे। और अगर इस गेम की बात करें तो ये भी भाई जिस तरह का लोगों का रिव्यू जा रहा है, जहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लीक हुए हैं, तो उनका कहना यही है कि गेम भाई अच्छा है, हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। और भाई यही मुझे देखना है कि ये गेम भाई कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और कितना ज़्यादा अच्छा है। और अगर ये गेम भाई ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुआ, ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि प्रोसेसर की बात करें तो इन्होंने स्नैपड्रैगन 845 बोला है, स्नैपड्रैगन 845 के जो प्रोसेसर है वो मिनिमम यार 40-50% लोगों के पास तो है ही यार, नॉर्मल सी बात है, उससे नीचे वालों की तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतने परसेंट लोगों के पास जो 845 के प्रोसेसर हैं तो उनके फ़ोन में ये अच्छा चलेगा। ये वैसे उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बोली है, फ्यूचर में जब गेम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा तो भाई और ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। तो आई होप सो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और टेंसेंट का हाथ है तो इंडिया में थोड़ा मुश्किल लग रहा है भाई, और वो मुश्किल इसलिए है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट कुछ और चाहती है और भाई टेंसेंट कुछ और करना चाहता है। तो आई होप सो तुमको वीडियो अच्छा लगेगा, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सर्वाइवर यरुवन स्टेशन 2051에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 2월 업데이트 예정인 뉴 스테이트 모바일의 새로운 모드에 대한 소개를 해드리고자 합니다. 2월 업데이트는 2년이 조금 넘은 뉴 스테이트 서비스 사상 최대 규모의 업데이트이고 I'll have to ask my accountant about that.